हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। आप सभी के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें आईटी वालों को भी मौका मिला है और डिप्लोमा वालों को भी मौका मिला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना एप्लीकेशन फी लगेगा, सारा डिटेल बताऊँगा गाइज। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी मेरे वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.itieducation.com, और आईटी सरकारी नौकरी का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां से आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल में सर्च कर लीजिए आईटी एजुकेशन। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। ये जो डिपार्टमेंट है या बोल सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, ये आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है ये आप लोग का परमानेंट रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और ये जो वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग कैडर पोस्ट है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप सभी का परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट की बात करूँ तो आप लोग का पोस्ट रहने वाला है टेक्नीशियन का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो 26 पोस्ट है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 26 सीट है, यहाँ पे डिप्लोमा वालों को भी मौका मिला है और आईटी वालों को भी मौका मिला है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो देख रही है यहाँ पे अलग जो ब्रांच जो लिखा गया, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले को तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन आईटीआई का यहाँ पे लिख दिया है ट्रेड। यानी कि ये जो जैसे देख इलेक्ट्रिकल लिखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल है तो फिटर में अप्लाई करेंगे, बाद बाकी और जो मैकेनिकल ब्रांच का आईटीआई में जो ट्रेड होता है उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिविल का हो गया, यहाँ पे सिविल जो ट्रेड होता है आईटीआई से वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है कोपा वाले अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। यानी कि डिप्लोमा वालों को यहाँ पे तो मौका मिला है, और आईटीए वाले आप सभी का जो यहाँ पे ब्रांच दिखा है उसी के अनुसार आप लोग डिसाइड करके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो मैंने बताया इलेक्ट्रिशियन में करेंगे, फिटर वाले मैकेनिकल में हो गया, और भी जो ब्रांच होता है मैकेनिकल का वो सभी अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, एनेक्सर 1 में भी बता दिया गया है कितना परसेंट मार्क रहना चाहिए 10वीं में, वो भी आप लोगों को रहना जरूरी है। बाद बाकी यहाँ पे डिप्लोमा और आईटी वालों को भी मौका मिला है। यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांच वाइज यहाँ पे सीट देख सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आप लोग का मैकेनिकल ट्रेड होता है, आई टी का टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है, केमिकल में 2 है, सिविल में यहाँ पे 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, कंप्यूटर साइंस यानी कि कोपा वाले भी अप्लाई करेंगे, और जो डिप्लोमा वो 4 है। उसके बाद आप लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तो इसमें आईटी वाले अप्लाई, ये जो और भी जो ये सभी पोस्ट है फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब में तो आईटी वाले नहीं कर पाएंगे, तो आप सभी इस सब में अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया, सिविल में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, कंप्यूटर में, इतना में आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट आप लोग के सामने में है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 26 पोस्ट है। तो ये हो गया आप सभी का पोस्ट के बारे में। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं सभी बता दूंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग का क्या होगा, 2 स्टेज में आप लोग का एग्जाम होगा। सबसे पहले आप लोग का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, देन आप लोग का क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट में आप लोग का यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का, रिटर्न टेस्ट के आधार पर आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये फॉर्म वाइज ऑफलाइन मोड में भरना है, यहाँ पे नीचे में एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया, उसको फिल करके सभी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सभी को टेस्टर करके लगा के भेज देना होगा, मैं अभी एड्रेस बता दूंगा। तो एप्लीकेशन फी की बात करूं तो 500 रुपया लगेगा, ये आप लोग को SBI कॉलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करना होगा, SBI जो पोर्टल होता है कॉलेक्ट का पोर्टल, वहां से आप लोग अप्लाई करना होगा। जो कैंडिडेट SC ST PWD वुमेन, इनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं दे रहा है लगेगा। जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग कर, उनको ही यहाँ पे 500 रुपया फीस लगेगा। तो ये देखिए इन्होंने बताया है कि पेमेंट कैसे करना है, तो पहले तो आप लोग SBI कॉलेक्ट पे चले जाइएगा, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मध्य प्रदेश फिर सिलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आप लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चुनिएगा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नेम आप लोग का हो जाएगा डायरेक्टर MANIT, फिर रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फी ये सिलेक्ट करके आप लोग फीस पेमेंट कीजिएगा। तो ये आप लोग एप्लीकेशन फीस का प्रोसेस बताया गया है, ये आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो ये ऑफलाइन मोड में जो फॉर्म भरिएगा तो आप लोग इनवेलप के ऊपर में ये लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जितने भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आप सभी लगा के भेज दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग ही अप्लाई करिएगा ये सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा करके। उसके बाद मैं बता देता हूँ कहाँ पर एड्रेस भेजना है, कौन सा मतलब करना है। तो नीचे पेज को स्क्रॉल कर लेता हूं, यहां पे तो इसका फॉर्म भरने का डेट है, लास्ट है 4 जनवरी 2023 से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो ये सभी आप लोग भेजिएगा, ये आप लोग भेजिएगा ओनली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, और इस एड्रेस पे भेजना है,
टू द रिक्रूटमेंट सेल नॉन टीचिंग मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल लिंक रोड नंबर 3 नियर काली माता मंदिर भोपाल 462003 MP। तो इस एड्रेस पर आप सभी भर दीजिए भेज दीजिएगा। ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर, ये सभी भरना है, सभी पे आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा, ये सभी पेज बाय पेज, और सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा के भेज दीजिएगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, चेकलिस्ट यहाँ पे और भेज दीजिएगा। तो गाइज आप सभी फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए, मैं जो बता रहा था कि कितना मांगा गया है 10th में, तो देखिए लेवल ये आप लोग का लेवल यहाँ पे जो मैंने बताया ऊपर में लेवल 3 का, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बता रहा था सैलरी के बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। ये पोस्ट आप लोग का कौन सा पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 27 साल रखा गया है, एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम अनुसार मिल जाएगा। तो देखिए 10th में जो कैंडिडेट का 2 साल का ITI है तो वो 10th में यहाँ पे 60% मार्क रहना जरूरी है, और 1 साल के जो ट्रेड होंगे मैकेनिकल ब्रांच में, बहुत सारे ट्रेड 1 साल का भी होता है, तो वो 10+2 पे अप्लाई करेंगे तो उनको 50% मार्क रहना चाहिए 10+2 में। लेकिन जो कैंडिडेट जैसे इलेक्ट्रीशियंस है फिटर पे, वो तो 10th पे ही अप्लाई करेंगे, तो 10th पे अप्लाई करेंगे तो उनको 10वीं में 60% मार्क रहना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन है गाइस। तो नोटिफिकेशन मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, आप सभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा।